हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज स्टार चेंज, जो मैजिक और एडवेंचर से भरी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे यूनिवर्स पर बेस्ड है जहाँ इंसान और शैतान दोनों का ही वास है, और खुद को एक दूसरे से अलग रखने के लिए इन्होंने अपने अपने इलाके बांटे हुए हैं। इंसानों का इलाका तीन एम्पायर्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ताकतवर है चू डायनेस्टी के लोग, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इनर पावर जगाकर अपना कल्टीवेशन पूरा कर लिया है। आज भी बहुत से लोग इनके जैसे इमोर्टल बनना चाहते हैं, लेकिन इसका रास्ता बहुत मुश्किल है और इसी वजह से ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आगे का सीन किन एम्पायर की यांजिंग सिटी का है, जहाँ कुछ लोग किंग से मिलने आए हैं। यही हम उनके प्रिंस शोयू को देखते हैं, जो अपने पिता काइंडू के साथ एक पेड़ लगा रहा है। किंग अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसे सोचकर वो बहुत परेशान है। तभी गार्ड्स उसे बताते हैं कि पर्पल एडर यहाँ आ चुके हैं, और किंग भी उनकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। वो सब उसे शोयू के बारे में वॉर्न करने आए हैं और बताते हैं कि वो कभी अपना कल्टीवेशन पूरा नहीं कर पाएगा। उनके हिसाब से शोयू का इनर कोर बहुत कमजोर है, और इसी वजह से वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनल नहीं कर सकता, और ये प्रॉब्लम लाखों इंसानों में से किसी एक को होती है। आगे हम किंग और शोयू को कहीं ट्रेवल करते हुए देखते हैं, और पता चलता है कि वो अपने गुरु शेंग जियान से इसका कोई सलूशन लेने आए हैं। किंग उसे एल्डर्स की वार्निंग के बारे में बताता है और पूछता है कि आखिर इसे ठीक करने का क्या तरीका है, लेकिन शेंग जियान भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता, और ये देखकर किंग निराश हो जाता है। वो जानता है कि इस तरह शो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसे सेफ रखने के लिए वो शो को सबसे अलग एक मिस्टी विला में भेज देता है, जो जंगलों के बीच एक सुरक्षित जगह पर बना हुआ है। जल्दी ही 2 साल बीत जाते हैं, और शो एक कैलेंडर में आज की डेट देख रहा है। वो देखता है कि आज नए साल का दिन है, और पिछली बार उसके पिता इसी दिन उससे मिलने आए थे। ये सोचकर उसे बहुत खुशी होती है, और तभी उसके दादाजी लियान वहाँ आते हैं। वो जानते हैं कि शो अकेला बहुत उदास रहता है, और इसीलिए वो उसे एक बर्ड गिफ्ट में देते हैं, जो उन्हें कल रात जंगल में मिला था। शो बर्ड को लेकर खुशी से नाचने लगता है, लेकिन देखता है कि उसे उड़ना बिल्कुल नहीं आता। प्यार से वो उसका नाम सेबल रख देता है और कहता है कि आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर वो सेबल के साथ अपने डैड से मिलने जाता है, और लियान भी कुछ गार्ड्स को उसके पीछे भेजता है। उसे लगता है कि किंग को इतना कठोर नहीं होना चाहिए था, और ये बच्चा भला अकेले यहाँ कब तक रह पाएगा। इधर शो एक हिल पर अपने डैड का वेट करने लगता है, और बताता है कि उनके साथ उसके 2 भाई भी आने वाले हैं, जो हमेशा उसे बहुत तंग करते हैं। लेकिन काफी देर बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, और शो भी इंतजार करते करते थक जाता है। तभी वो पीछे अपने पिता को खड़े हुए देखता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो उसकी एक हेलुसिनेशन थी, और वहाँ तो असल में उसके दादाजी खड़े हैं। उसे इस बात से बहुत दुख होता है, और तब लियान उसे समझाता है कि तुम्हें अपने पिता पर भरोसा रखना चाहिए, और उन्हें जरूर कोई काम पड़ गया होगा। आगे हम उसे सेबल के साथ जंगल में खेलते हुए देखते हैं, और तभी एक चीख सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। शो सेबल को लेकर वहाँ चेक करने जाता है, और पता चलता है कि एक ट्री वुल्फ 2 लोगों को मारने वाला है। वो लड़की अपनी जान बचाकर भागने लगती है, और इससे पहले कि वो वुल्फ उस तक पहुँच पाए, शो और उसके गार्ड्स उन्हें बचा लेते हैं, और ट्री वुल्फ को वहाँ से भागना पड़ता है। वो आदमी अपना नाम टिशान बताता है, और शो का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उसे अपनी सिस्टर टाई से इंट्रोड्यूस कराता है, और बताता है कि हम लोग थॉर्प गांव से आए हैं। शो ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, और पूछता है कि क्या मैं भी वो जगह देख सकता हूँ। वो उनके गांव जाकर उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता है, क्योंकि काफी टाइम से उसने किसी इंसान को नहीं देखा, और वो वहाँ कुछ देर खेलना चाहता है। वहाँ वो लोग खूब मस्ती करते हैं, और टिशान और टाई का प्यार देखकर शो को भी अपने भाइयों की बहुत याद आती है। तभी टिशान सामने एक शेर को खड़े हुए देखता है, और शो बताता है कि ये तो मेरे अंकल हे ही हैं। हे ही उसे जल्दी से पैलेस चलने को कहता है, क्योंकि वहाँ उसके भाई उससे मिलने आए हैं, और शो उन दोनों को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ उसके दोनों भाई स्टीम बात का मजा ले रहे हैं, जिनमें छोटा है जैंग और बड़े भाई का नाम है फैंग। शो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, और वो सब आपस में बहुत इंजॉय करते हैं। फिर वो उनसे अचानक यहाँ आने का कारण पूछता है, और फैंग कहता है कि हम तो पिताजी के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, जैंग इशारे से उसे रोक लेता है, और वो कहते हैं
कि हम तो तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आए हैं। फिर जेंग उसे बताता है कि सुबह होते ही हमें वापस निकलना होगा और ये सुनकर शो उदास हो जाता है क्योंकि दिन खत्म होने में बस कुछ ही टाइम बचा है। सुबह उसके भाई वहाँ से वापस जाने लगते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम और भी इंजॉय करेंगे, लेकिन शो को ये सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं होती। लियान इशारे से उन्हें जल्दी करने को कहता है और वो लोग उन्हें अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। शो भी रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसकी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर पाया और वो अपनी कल्टीवेशन को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसके पिता भी ये बात समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने उसे यहाँ भेज दिया ताकि उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए। शो को लगता है कि उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं है और इसीलिए वो उससे मिलने भी नहीं आते। उसने दादाजी से भी इसके बारे में कई बार पूछा था लेकिन उन्होंने भी उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। शाओ ने भी खुद को मना लिया था कि वो अपने भाइयों की तरह सक्सेसफुल नहीं बन सकता क्योंकि ना तो वो जेंग की तरह पोइट्री जानता है और ना ही फैंग की तरह उसे तलवार चलानी आती है। यही सब सोचते हुए वो रोने लगता है और तभी उसकी नज़र एक टूटते हुए तारे पर पड़ती है। वो विश मांगता है कि मुझे भी अपने भाइयों की तरह बनना है ताकि अपने पिता के साथ रहकर उनकी मदद कर सकूं और इस तरह वो भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फिर अचानक उसके माइंड में एक ख्याल आता है और उसकी उदासी एकदम से खुशी में बदल जाती है। वो सोचता है कि स्टार्स भी तो अलग अलग तरह के हैं, कोई कम, कोई तेज, कोई टूटता है तो कोई एक ही जगह रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो हर रात आसमान में शाइन करने आते हैं और उन्हीं की तरह मुझे भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। फिर वो सेबल को लेकर इस बारे में लियान से बात करने जाता है और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।